देवचराई में भाजपा के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि देवचराई में भाजपा के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के एक जुलूस के बाद वहां हमला किया गया। इस हमले के बाद नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से वहां उत्तेजना का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया। हालांकि इस घटना में तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने के आरोप भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप को खारिज किया गया है। देवचराई में भाजपा के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के एक जुलूस के बाद वहां हमला किया गया। इस हमले के बाद नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से वहां उत्तेजना का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया। वहीं इस घटना में तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने के आरोप भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं। वहीं इस घटना को लेकर तृणमूल जिला अध्यक्ष पार्थ प्रतिम राय ने अपने पार्टी के ऊपर लगे इस आरोप को से क्या कहा, सुनेंगे उनसे। घटना কিছু হয়েছে শুনেছি খতিয়ে দেখছি কি বিষয়। তবে বিজেপির নব্য এবং আদি এদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে নিজেরাই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। বিশদে জানে তারপর মন্তব্য করব।